11.1 अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? What are the physical properties of non-metals? कुछ अधातुओं से आप परिचित हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि ये तत्व धातु क्यों नहीं हैं? हम जानते हैं कि धातुओं के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं, जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। यदि कोई तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर गैस हो तो यह पहचानना आसान होता है कि वह धातु नहीं अधातु है, पर सभी अधातुएं गैस नहीं होती। भिन्न भिन्न अधातुएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिलती हैं, जैसे ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिनियम इत्यादि अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा कठोरतम तत्व है। ठोस धातुओं और अधातुओं में अंतर करना संभव है, क्योंकि सामान्यतः अधातुएं भंगुर होती हैं। अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातुएं धातुओं से भिन्न होती हैं। अधातुएं न तो अघात वर्धनीयता दर्शाती हैं, न ही तन्यता, और न ही वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही रहीं, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसी तरह कार्बन के अपर रूप हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपर रूपता एलोट्रॉपी। आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही रूप हैं। ये दोनों केवल कार्बन परमाणुओं से बने हैं। सोचिए, यह कैसे संभव है कि दिखने में इतने भिन्न ये दोनों पदार्थ कार्बन ही हैं। कार्बन ही नहीं, ऐसे कई तत्व हैं जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। तत्वों के इस गुण को अपर रूपता तथा उसके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। अलग अलग अपर रूपों में परमाणुओं के बीच परस्पर आबंध भिन्न होता है, और यही कारण है कि इनके कुछ भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्योंकि किसी तत्व के अपर रूपों के परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक क्रियाओं में अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, जलाने पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो अपर रूपता दर्शाती हैं। तो अधातुओं की क्या पहचान है? अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और वो है आयोडीन। आयोडीन एक अकेली चमकदार अधातु है। ये तन्य नहीं होती, यानी इन्हें खींचकर इनकी तारे नहीं बनाई जा सकती। ये अघात वर्ध्य भी नहीं होती, यानी इन्हें पीटकर इनकी चादरें भी नहीं बनाई जा सकती। ये ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, और वो है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत और ताप का सुचालक होता है।